दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है, मैं बिजनेस कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ। आज मैं आपके लिए कोई भी पैनिक न्यूज़ यानी कोई भी एक बोलते हैं ना सहजता वाली न्यूज़ के फिर आप नॉर्मल बने रहिए या बचते रहिए ऐसी नहीं लाऊंगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी शेयर कंपनी लेके आऊँगा, ऐसी शेयर की कंपनी लेके आऊँगा कि आप अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 100% लॉन्ग टर्म के अंदर एक ही महीने के अंदर आपको उसमें से 25% रेवेन्यू गारंटी के साथ आपको मिलेगा। देखो मैंने कहा गारंटी के साथ, मैं ना कोई ज़्यादा बड़ा रिसर्च करने वाला हूँ, एक आम इंसान हूँ आपकी तरह। लेकिन एक बोलते हैं ना मन मंदिर के अंदर, हमारा जो मन है ना मंदिर है दोस्तों मेरे, और ये मन मंदिर के अंदर बहुत सारी हमारी भावनाएं जुड़ी होती है कि यार किसी के लिए अच्छा करो। तो आप मेरी अगर यूट्यूब चैनल पर पिछले वीडियो अगर देख के आए हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि समाज के लिए अच्छा करने की भावना इस प्रकृति ने, परमात्मा ने बहुत ही कम लोगों को दी है। वरना लोग आते खाते पीते मौज करते, खुद के लिए देखते और ज़िंदगी निकाल कर चले जाते। तो वो जिंदगी कुछ लोग नहीं जीना पाते, कुछ लोग किसके लिए, जो लोग नहीं जानते किसी को नहीं जानते उनके लिए कुछ करना चाहते, तो ये जो बंदा है ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो आप पिछले वीडियो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि यार नहीं, ऐसे ही कोई एक रात में अमिताभ बच्चन नहीं बन जाता है, ऐसे ही एक रात में कोई ब्रूसली नहीं बन जाता है, ऐसे ही कोई एक रात में दशरथ मांझी नहीं बन जाता है। तो मैंने एक सेलिब्रिटी का नाम दिया, एक फाइटर का नाम दिया और एक कॉमन मैन का नाम दिया, कॉमन मैन फाइटर और एक आर्टिस्ट। तो ये तीन में हम भी एक कॉमन चीज़ है, हम भी एक आर्टिस्ट है, हमारे अंदर बहुत सारी कला है। तो इस कला को हमें समाज के सामने लेकर आना है और समाज को हमें बचाना है, क्योंकि सिस्टम के अंदर 3% लोग ऐसे हैं कि जो हम पर राज करते हैं और हमारा पूरी जिंदगी का कमाया हुआ धन एकदम आसानी से खींच कर लेके जाते हैं। टीवी वगैरह देखते हो ना, टीवी में एडवर्टाइज आती है, एडवर्टाइज में आप ब्रांड को देखते हो फिर लेने की इच्छा होती है, तो आपका कमाया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज देखकर ही आपकी लेने की इच्छा को जागरूक करता है और ये चला जाता है। और काफ़ी सारे ऐसा लॉस आप बुक करते हो कि जहाँ पर आपकी इच्छा नहीं होती है तो भी वो चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप वो 3% हिस्से में आ जाओ, 97% में जो भेड़ बकरी वाला हिस्सा है वहाँ पर न जाओ, आप दुनिया को मार्गदर्शन दिखाओ वाले हिस्से में आ जाओ। तो 100% ये जो भारत है अगले 10 साल में गारंटी के साथ आपको लेकर एक पूरी टीम बना के, एक पूरा परिवार बनाकर हम बदल सकते हैं। तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ मैं वो स्क्रिप्ट की, जो शेयर जो कंपनी है उसके शेयर के प्राइस की मैं अगर बात करूँगा तो प्राइस तो आपके सामने आ जाएगी अभी। तो ये कंपनी का नाम है आंध्र सीमेंट, तो आंध्र सीमेंट कंपनी का नाम है और ये आंध्र प्रदेश की स्थिर कंपनी है। और इसका अगर पोर्टफोलियो मैंने देखा तो मैं सही में चौंक गया कि वाकई में जिन ईमानदार कंपनियों को मैं ढूंढ रहा हूँ उनमें से ये एक कंपनी है, ईमानदार कंपनी। यानी न अपने शेयर को ज़्यादा छेड़खानी करना, न इसकी किसी को सुपारी देना, न इससे कुछ यानी छेड़खानी करना, कहने का मतलब। तो एक ऐसी कंपनी जिससे सिर्फ अच्छे लोग ही जुड़ते, कोई ऐसे लोग नहीं जुड़ते कि जिससे शेयर होल्डर को लॉस हो। देखो कोई कंपनी अगर मान लो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है ना, तो पहले एक ड्रीम होता है कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट तो करती हूँ लेकिन मैं अपने शेयर होल्डरों को अपने परिवार की तरह पालूंगी। तो ये वो परिवार का मेंबर ये कंपनी ने बनाया है और इस परिवार में काफ़ी सारे जो शेयर होल्डर हैं काफ़ी सारी प्रगति कर रहे हैं। और ये प्रगति की स्टोरी जो है आपके सामने लेकर आया हूँ कि पहले तो आप देखिए कि इस कंपनी के अंदर एक वीक के अंदर 27% का मुनाफा किया है, यानी रेवेन्यू दिया है। एक महीने के अंदर 65% का मुनाफा दिया, तकरीबन डेढ़ गुने से ज़्यादा। तीन महीने के अंदर 368% का मुनाफा दिया, जो बहुत ज़्यादा होता है। बैंक में FD भी कर लो ना दोस्तों मेरे, तो भी आपको इतना मुनाफा कोई तीन महीने में नहीं देगा, 368% मुनाफा। फिर 6 महीने के अंदर 318% का मुनाफा दिया है और 1 साल के अंदर 348% का मुनाफा दिया है। तो 1 साल के पीछे इतना मुनाफा कम क्यों दिया और 3 महीने में इतना जंप क्यों किया? तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो आप सबको पता है कि कोरोना था, कोरोना में मार्केट पूरा बंद था। तो हुआ क्या कि पिछले 1 साल के अंदर इनका कोई भी पेमेंट आया नहीं था, पता है क्यों? कोरोना में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कुछ कामकाज चालू थे, वर्कर लोग चले गए थे, कुछ वर्कर थे नहीं थे ऐसा था। तो हुआ ही हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी मंदी रही और वैसे ही
सब इंफ्रास्ट्रक्चर के सब जितने बिजनेस थे वो सब पड़े रहे, जो ब्रिज बनाना है, जो बिल्डिंग बनाना है, जो भी था कुछ काम था वो पड़ा रहा। तो इसकी वजह से इन्होंने जो माल दिया था, जो सीमेंट दिया था, तो उस सीमेंट की जो रेवेन्यू थी वो जनरेट नहीं हुई। तो हुआ यूँ कि एक साल तो इस कुछ बिजनेस किसी का हुआ ही नहीं है, तो ऐसे डेढ़ साल तो ऐसे ही चला गया समझ लो। तो इसलिए पिछला जो रिकॉर्ड था इनका थोड़ा सा ख़राब है, नहीं तो इससे भी ज़्यादा रेवेन्यू ये दे पाती थी। तो हुआ यूँ कि आप सबको पता है कोरोना के अंदर क्या हुआ था। बस अभी हुआ दूसरा किस्सा ये है कि इसकी कंपनी की शेयर होल्डर पैटर्न अगर देख लो तो 63% इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लेकिन इन्होंने कर्ज लिया हुआ है बैंकों से। तो वो कर्ज अगर काटो तो सिर्फ 13% या 17% जितने शेयर इनके होल्डिंग इनके पास पड़े हुए हैं, लेकिन जो शेयर इन्होंने प्लेज रखे हुए तो बैंक से कर्ज लिया हुआ है, और बैंक से कर्ज इसलिए लिया हुआ है कि उनके हाथ में कैश फ्लो रहे ताकि वर्कर लोगों का पगार निकले और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दमदार चलता रहे। तो ये सब रहता है कब तक, ब्रिज कब तक रहता है, तो जब उनके पास जब उनके ब्रिज के या बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो गए उसके बाद इनका पैसा आएगा, तब जाके ये जो प्लेज में शेयर रखे हुए तो ये प्लेज वाले शेयर जो है इनकी रेवेन्यू इनको वापस मिल जाएगी। तो जो कंपनी अगर मान लो लॉस करती है, तो मैंने कहा लॉस करती है तो कंपनी पिछले दो साल से माइनस में है, 40% मुनाफे में नहीं है, पूरी लॉस में माइनस में जा रही है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो भी इस कंपनी का प्राइस बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि इसके पास ऑर्डर भी है और अच्छी खासी लिक्विडिटी भी माल की है। बस तो ये एक वजह होती है, अगर मान लो हमारे पास कैश नहीं है लेकिन ऑर्डर है, तो ऑर्डर होता तो क्या होता है, उससे मेरे सपोर्ट मिल जाए। तो सपोर्ट किसका मिलता है, दूसरे फाइनेंसर का सपोर्ट मिलता है। तो यही चीज़ है कि बैंकों ने इनको कर्ज दिया है, दूसरे भी जो फाइनेंसर होते हैं तो वो भी आगे आते हैं कि कंपनी अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, तो ये सब सोच के लोग आते हैं। और शेयर होल्डर भी क्या करते हैं, भैया अरे यार बहुत मस्त कंपनी है, प्राइस मुनाफा दे रही है, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरे इस कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्ट किया है तो एक कंपनी का मैं नाम देता हूँ, आइवरी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी ने अभी 15 जुलाई को 14,92,931 शेयर की यानी बिग डील की है, यानी बड़ा सा बड़ी क्वांटिटी इन्होंने ली है। ये जो प्राइस चलता है ना 23-24 रुपये के आसपास, उतने प्राइस के अंदर 23.67 रुपये में डील की है। तो आप देखिए मेरे दोस्तों कि अगर 14,92,931 की क्वांटिटी 23.67 रुपये में डील होती हो तो ये प्राइस का भाव कितना जाएगा, आप सोचिए खाली। अगले महीने में इस प्राइस का भाव अगर तकरीबन मेरी नज़र से देखने जाओ तो कम से कम आपको 15% मुनाफा तो कम से कम देगा, कोई भी सट्टा नहीं है। और ये जो कंपनी है करती क्या है, मैं आपको बोलता हूँ कि जो आइवरी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये खुद का ऑडिटरी बिजनेस है, अकाउंटिंग बिजनेस है, मार्केटिंग बिजनेस है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो लीगल बिजनेस है, और पूरी इंडिया में इनकी ब्रांच है। तो कोई भी ऐसी कंपनी यानी फ्रॉड कंपनी जिसे कहते हैं या नॉन इंस्टीट्यूशनल कंपनी जिसे कहते हैं कि जो एक फंड का सिर्फ ट्रांसफ़र करती रहती है इधर का उधर यानी वॉल्यूम गेन करने के लिए, वैसा कोई काम नहीं करते ये लोग नेचुरल बाइंग लगाते हैं। पब्लिक इनके शेयर इसलिए लेते हैं ताकि इनके शेयर में वजन होता है, इनके काम में वजन होता है, इनके हर रिपोर्ट में वजन होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी से आप जुड़े रहें, और ऐसी कंपनी के अगर रिजल्ट मुझे मिलते हैं, अगर मुझे स्क्रिप्ट मिल जाती है तो इसका रिसर्च करके मैं आपको दे दूंगा। तो चाहता हूँ कि आप लोग तरक्की करें, गेन करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो देखो इस वीडियो को आपके ग्रुप तक ले जाना, ताकि आपके ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे लॉस बुक करते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लॉस बुक करने वाली कंपनी में जाए और कोई सटोड़िया कंपनी में चले जाए। सटोड़िया इसलिए बोलता हूँ कि ये लोग खुद अपने पैसों से छलांग मरा दे मार्केट को ऊपर नीचे ले जाते और वॉल्यूम क्रिएट करते, और वॉल्यूम क्रिएट के क्या बारे धोबी पछाड़ कर देते, बेचारा शेयर होल्डर का पैसा डूब जाता है। तो ये कंपनी ने शेयर होल्डर को भी संभाल के रखा है, ऐसी कंपनियों को भी संभाल के रखा है जिन्होंने इसमें से बिग डील की है, ऐसी गवर्नमेंट को भी संभाल के रखा है इन्होंने, क्योंकि आंध्र की कंपनी है तो सौबे की आंध्रा जो गवर्नमेंट है तो वहाँ भी इनका कनेक्शन तो हो ही सकता है, तो उनको भी संभाल के रखा है। सबको ये मिलीजुली सरकार वाली जो कंपनी है तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है। मैं चाहता हूँ दोस्तों मेरे कि भाई इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो 100% आप मुनाफा लेके जाओगे, कोई भी लॉस बुक नहीं करोगे। अगर ये वीडियो अगर ये आंध्र सीमेंट कंपनी अगर खुद सुन रही है, अगर इनके प्रमोटर या इनकी कंपनी के स्टाफ मेंबर खुद सुन रहे हो, तो मुझे बहुत ये गर्व महसूस होता है बोलने के लिए कि मैं इस कंपनी के बारे में कुछ अच्छा बोला हूँ। क्योंकि जब भी कोई कंपनी के बारे में बोलता हूँ ना
तो मैं बहुत निराशा व्यक्त करता हूँ कि यार बहुत बुरा हाल कर रहे हैं लोग शेयर होल्डर का। तो ऐसी ये कंपनी नहीं है, तो अगर कभी मुझे मौका मिले ये कंपनी की सेवा करने का, आंध्र सीमेंट की सेवा करने का, यानी मोटिवेशन के लिए या फिर मेडिटेशन के लिए, जो मैं मेडिटेशन करता हूँ सब कंपनी में जाके, जो मेरी प्रोफाइल में पड़े हुए मेरे वीडियो, तो मेरी एक खुशकिस्मती होगी कि मुझे सेवा का मौका मिले। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो कमेंट कीजिए, ताकि अगर कमेंट करोगे ना तो आगे थाली में क्या पिरोसना है ना तो मुझे पता चलेगा। तो यार उसमें शर्म मत कीजिए, क्योंकि यार इंटरकनेक्शन ऐसे ही नहीं होता है, इंटरकनेक्शन तब जाके होता है जब कोई स्टोरी होती है। स्टोरी ऐसे ही नहीं होती है दोस्तों मेरे, स्टोरी जब हमारा अच्छा होता है तब होती है, कोई हमारा बुरा करता है तो स्टोरी नहीं बनती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपने बहुत कंपनियों को गाली भी दी है, क्योंकि बहुत कंपनी में आपका लॉस भी बुक हुआ है, तो आगे जाकर ये विजय सर से मिलकर अगर आप ट्रेड करना चाहोगे, अगर IIFL में मेरे साथ जुड़कर अगर डीमैट अकाउंट खुलवाकर मुझसे ट्रेनिंग लेकर, जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि ऑपरेटर से कैसे बचना, मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी सिखाता हूँ दोस्तों मेरे, ब्रूसली की स्ट्रेटजी। ब्रूसली को समझ गए, गारंटी के साथ बोल देता हूँ मेरे दोस्तों, आप जिंदगी में कभी भी शेयर मार्केट में धोखा नहीं खाओगे। तो ब्रूसली का क्या मिशन था, ब्रूसली का एक ही कॉन्सेप्ट था कि उसने 1000 बार सामने वाले के जो पंच थे वो मारता था, ये बचता था, और ये जय देखता था कि उसका वीक पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट का वो कौन सी तरफ ज़्यादा मार रहा है, उसको थका देता था, थकाने के बाद में एक ही पंच के अंदर गिरा देता था। तो कोई भी ऑपरेटर सामने बैठा हो, कोई भी बड़ा ट्रेडर बैठा हो, अगर कोई भी ब्रोकर भी क्यों नहीं बैठा हो, आप पछाड़ सकते हो दोस्तों, इतना पावर तो आपके अंदर है। तो चाहते हो अगर वो पावर आपके अंदर लाना हो तो उसके लिए मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मैं सिखाता हूँ, वो थर्ड आई ओपनिंग जिसे कहते हैं, कि अंतर मन से आप अपने आप के अंतर के भगवान को आप जगाओ, अपने गुरु को जगाओ, और आप इस शेयर मार्केट को जोड़ दो उससे, और गेन करो यार, समाज को नई दिशा में लेके जाओ, ये समाज को ज़रूरत है। समाज हमारा बहुत पिछड़ा समाज है, गरीब है, और भेड़ बकरियों की तरह हमारे एक दूसरे के पीछे बस टिप्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे कोई बोल दो, इसमें पड़ा हुआ है। हमें वो नहीं करना है, किसी के बोलने पर हमें नहीं जाना है, हमें अपने आप से ढूंढना है। देखो ढूंढने से मोती मिलते हैं, खजाना मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन किसी का अगर करने जाओ ना, भैया मेरे मैं आपको ये टिप्स देता हूँ, अरे टिप्स देखी तो क्या, वो जब प्राइस ऊपर जा रहा था तब आपने बोला अब तो प्राइस नीचे जा रहा है, आज मुझे चार स्क्रिप्ट मुझे दी किसी ने, मैंने जाके सीधा उसका इंडिकेटर देख लिया, भैया मेरे जहाँ परचेस का सौदा लगाने का बोल रहे हैं ना वहाँ तो प्राइस नीचे जा रहा है। तो ये फंसाने का चाल होता है, इसमें घुसो मत ट्रेप के अंदर, क्योंकि जब तक आपके हाथ में टिप आती है ना तब तक तो टिप पुरानी हो जाती है, क्योंकि नीचे की जो कैंडल होती है वो जब आगे बढ़ती है, यानी नीचे 3-4 कैंडल और बनाती है, तब तक तो बताते ही नहीं है, जब लास्ट मोमेंट आती है, जब ऊपर हाई करता है, हाई करने के बाद में वीक कैंडल बनती है, तब जाके लोग बोलते हैं कि बाइंग पोजीशन लग रहे, मूर्ख के सरदार किसको बना रहे हो, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं ना यार। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे अनपढ़ गवार लोग जो हमको अनपढ़ गवार समझ रहे हैं, तो उनके झांसे में आओ। मेरा जो ट्रेनिंग कोर्स है बहुत ही सामान्य कोर्स है, बहुत लॉजिकल क्रिएटिव माइंड को लेकर मैं बनाता हूँ, दोनों की कोर्स में ट्रेनिंग भी देता हूँ कि आपको कैसे ट्रीट होना है 21 दिन के अंदर। तो अगर आप आओगे ना दोस्तों तो सही में नुकसान नहीं करोगे, 100% फायदा लेके जाओगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जुड़ी रहेगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर तो यार 100% कीजिए, तभी जाके एक रिश्ता बनेगा हमारा, एक परिवार बनेगा हमारा। तो थैंक यू, धन्यवाद।